देखो वेलोसिटी का जो थर्ड टाइप है वो एवरेज वेलोसिटी है और जो फोर्थ टाइप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जैसे अपने स्पीड के फोर टाइप पढ़े थे वैसे ही वेलोसिटी के फोर टाइप है। वेलोसिटी के टू टाइप अपने कल रीड कर चुके हैं। अपने फर्स्ट अपने रीड किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और सेकंड अपने रीड किया था नॉन यूनिफॉर्म या फिर उसको वेरिएबल भी अपने कह सकते हैं। थर्ड जो टाइप है वो एवरेज वेलोसिटी है। जैसे अपने एवरेज स्पीड पढ़ा था तब क्या फॉर्मूला यूज किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा था। तो अब बताओ डिस्टेंस के प्लेस पे क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम ही है ये, है ना। अब मैं वेलोसिटी को जो डिनोट करूंगा, वेलोसिटी को डिनोट करूंगा क्योंकि अपन ने ये रीड किया है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। तो v के ऊपर वेक्टर लगा दिया अपने, v वेक्टर एवरेज, मीनिंग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन। देखो कहीं पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा v एवरेज विदाउट वेक्टर, उसका मीनिंग क्या निकालना चाह रहे हैं बताओ अपने, एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं क्योंकि स्पीड जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। बट जो अपने पास वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन है। अब देखो क्या लिखा है अपन ने, v वेक्टर एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। यहां डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है x से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है x से। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए x के ऊपर भी क्या लगाया बताओ, वेक्टर का साइन अपन ने यूज किया है। और अपन एवरेज स्पीड में क्या लिख रहे थे, एवरेज स्पीड में लिख रहे थे डेल्टा s लिख रहे थे अपने पास, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो एक्स वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो बताओ टाइम इंटरवल वेरी अपन स्मॉल लेंगे, अप्रोच टू जीरो लेंगे, और क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी एक्स वेक्टर अपॉन क्या जाएगा डी टी आ जाएगा। अब समझो एक बार, एवरेज वही है जब लार्ज इंटरवेल की अपन बात करेंगे तो एवरेज आएगा, और वेरी स्मॉल इंटरवेल की अगर बात करते हैं तो फिर क्या आएगा बताओ अपने पास, इंस्टेंटेनियस आएगा। जैसे मान लो मैं और तुम्हारे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अपन ने माना कि जो मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का अलोंग स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो रहा है ना। अब किसी ने अपने को पूछ लिया कि पी पॉइंट पे तुम उसकी वेलोसिटी बताओ, पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है उस पे तुम्हारे को उसकी वेलोसिटी बतानी है। समझना बात को ध्यान से, P पॉइंट पे क्या बतानी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो वेलोसिटी जब भी अपन डिफाइन कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं हो रही है। अब तुम बोलो भाई जो इंस्टेंटेनियस वाली है वो तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, बट उसमें भी थोड़ा सा अपने को इंटरवेल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो P पॉइंट पे पूछ लिया अपने को, तो करना क्या पड़ेगा, अगर अपन इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, अगर अपन इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब निकलेगी तो इंस्टेंटेनियस ही निकलेगी, तो क्या करना है अपने को, देखो थोड़ा सा इसे इधर एक थोड़ा सा इधर चल लिया मैं लेफ्ट में चल लिया, और थोड़ा सा मैं किधर चल लिया राइट में, मीनिंग इसके आसपास मैंने दो पॉइंट ले लिए, इसके आसपास मैंने दो पॉइंट ले लिए, मेरे को पी पे डिफाइन करना था, बट मेरे को क्या चाहिए बताओ, वेलोसिटी। जब भी अपने को डिफाइन करना है तो क्या चाहिए बताओ, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाओगे। अब डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो निकाल नहीं पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट किसके लिए आएगा बताओ, कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए बताओ, दो पॉइंट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, पी पॉइंट पे निकालना था, एक तो इसे लेफ्ट साइड में पॉइंट ले लिया, बहुत पास में है ये, और एक इसे राइट साइड में पॉइंट ले लिया। समझ आई इतनी बात। अब मेरे को ये बताओ कि ये इसमें जो टाइम लगा, पी पॉइंट इनके बिटवीन में आ गया, बिल्कुल बीचों बीच आ गया। अब मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा उसको मैंने क्या कह दिया बताओ, डी टी कह दिया, बहुत स्मॉल टाइम है ये। और यहाँ से यहाँ तक का जो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन ही है क्योंकि बहुत कम है वो, तो उसमें कोई कर्व नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो गया बताओ, डी एक्स हो गया। तो बताओ क्या निकाल लिया फिर अपन, dx by dt कर लिए, तो कौन सी वेलोसिटी निकाल लिए बताओ, वहां इंस्टेंटेनियस निकाल लिए। कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यह है कि अपने पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, स्पीड को भी डिफाइन नहीं कर सकते,
करना क्या पड़ेगा जिस पॉइंट पे पूछा है उसके लेफ्ट और राइट में बहुत पास पास, ये तो मैं दूर बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को दिख जाए स्क्रीन पे, बहुत पास पास दो पॉइंट लेने पड़ेंगे और उन दोनों पॉइंट को क्रॉस करने का जो टाइम है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया वो dt टाइम में गया और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया dx, तो dx by dt कट देंगे तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। और किसी लार्ज इंटरवेल की बात करेंगे, जैसे मान लो अपने a से कार तक की बात कर रहे हैं, बताओ b तक की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा x हो गया और टाइम जो है वो क्या हो गया डेल्टा t हो गया, लार्ज इंटरवेल की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी दो पॉइंट के बिटवीन में डिफाइन होगी, बट अगर मान लो इंटरवेल लार्ज है डेल्टा x मान लिया अपने, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम इंटरवेल लिया है वो डेल्टा t लिया है, तो बताओ फिर कौन सी आ जाएगी, वो एवरेज आ जाएगी। समझ गए होंगे मेरी बात है? अगर मान लो टाइम इंटरवेल लार्ज अपन ले रहे हैं तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन होगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। अगर मान लो टाइम इंटरवेल अपने पास वेरी स्मॉल है, टाइम इंटरवेल अगर मान लो वेरी स्मॉल है, अपन ने बताया डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो है, अप्रोच टू जीरो है, दो पॉइंट वापस से चाहिए अपने, दो पॉइंट वापस से चाहिए अपने, दो पॉइंट वापस से चाहिए अपने को, तो ले लिया एक पॉइंट तो इसके लेफ्ट में ले लिया, एक इसके राइट में ले लिया अपने पास, तो ये कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी बताओ अपने पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, ये तो समझ आ गया तुम्हारे को एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने फिर बताया कि वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होगी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है तो उसके लेफ्ट में और राइट में अपने पास दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, अपन उन दोनों पॉइंट को क्रॉस करने का टाइम dt नोट कर रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन ने dx नोट किया है, फिर dx by dt कर दिया तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। फिर अपन ने बताया कि अगर मान लो टाइम इंटरवल लार्ज होगा, a से d तक की बात कर रहे हैं, तो ये डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा t टाइम हो गया, फिर वो एवरेज आएगा अपने पास। इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। देखो अब अपन ने बताया कि अपने पास जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सुनना है ध्यान से, एवरेज जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इधर समझना। जब वेक्टर की अपन बात करते हैं, कल भी बात की थी, वेक्टर की जब अपन बात करेंगे तो वेक्टर के पास दो चीजें होगी। देखो एक तो उसके पास क्या होगा बताओ, अपने पास डायरेक्शन होगी, एक तो उसके पास क्या होगी बताओ, डायरेक्शन होगी, एक उसके पास क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, एक तो उसके पास डायरेक्शन होगी, एक उसके पास क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड होगा। देखो मैग्नीट्यूड तो अपन सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, जैसे मान लो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है उससे अपने पास क्या निकल आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड है निकल आएगा। मतलब जो फॉर्मूला अपन ने यूज किया है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो अपन क्या लिखते हैं बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला लगा देंगे उससे मैग्नीट्यूड निकल आएगा। टोटल टाइम टेकन लिख दो, देखो सिंपली फॉर्मूले से तो क्या आ जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड आ जाएगा भाई, फॉर्मूला लगा दिया उससे तो मैग्नीट्यूड आ गया भाई। जैसे मान लो वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया अपने पास, ये तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो फॉर्मूले से आ जाएगा। अब बात होती है अपने पास किसकी, डायरेक्शन की बात आएगी, किसकी डायरेक्शन की भाई, फॉर्मूला लगाने से तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अपने को भाई, 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है जो भी है मैग्नीट्यूड अपने को मिल जाएगा सिंपली फॉर्मूला लगाने से। बात करते हैं डायरेक्शन की अपन, तो डायरेक्शन के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कल भी अपन ने बताया था भाई इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। मैंने बताया कि अपने पास जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सिंपली अपन कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और डायरेक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या बताया कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उसकी किसमें होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। समझ आए होगी बात, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फिर अपन एवरेज वेलोसिटी के लिए किस तरह से अपन देख रहे हैं, इतना क्लियर है क्या, एक बार रफ करूंगा मैं इसको,
देखो अपन ने एवरेज वेलोसिटी को बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, समझे के बात को ध्यान से। अपन ने बताया कि एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए अपन ने क्या किया था, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन किया था और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए। वो जो अपने पास अलोंग स्ट्रेट लाइन अपन ने डायरेक्शन बताई थी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बताई थी और ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सीकेंट ड्रॉ किया था अपन ने, कोई भी कर्व पाथ था उसके एक पॉइंट को अदर पॉइंट से जो ज्वाइन करेगी लाइन उसको अपन ने सीकेंट कहा है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। कई बार आगे चल के ऐसे आएगा जैसे मोमेंटम, नेक्स्ट आगे आएगा मोमेंटम पी वेक्टर इक्वल टू होता है एम वी वेक्टर, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर, तो मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एम मास है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो जो मोमेंटम की डायरेक्शन है, समझो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ऐसा ही यहाँ है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर फॉर्मूला आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला है ये, p वेक्टर मोमेंटम है, स्मॉल m मास है, v वेलोसिटी है। तो बताओ ये मास तो स्केलर क्वांटिटी है, अब मोमेंटम की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ऐसे ही अपन ने क्या बताया बताओ यहां कि जो अपने पास वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल है इस पाथ पे चल रहा है, हालांकि ऐसा पाथ अपने पास नहीं बनेगा क्योंकि अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन लीड कर रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई पार्टिकल इस पाथ पे चले, इस पाथ पे चल रहा है समझो, और इस पाथ पे चलते हुए ऐसे स्टार्ट हुआ हो और कहां तक गया बताओ, बी तक गया। अब अपना जो इनिशियल पॉइंट है वो तो हो गया ए और अपना जो फाइनल पॉइंट है वो क्या हो गया बताओ, बी हो गया। अपन ने क्या किया बताओ, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जॉइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है अपने पास इनिशियल पॉइंट को कहां से जॉइन करने वाली, फाइनल पॉइंट से जॉइन करने वाली, उसको अपन ने नेम दिया सीकेंट। इस भी कर्व पाथ के दो पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है वो सीकेंट होती है। तो ये जो सीकेंट है ये ए से बी तक का जो सीकेंट है वो किसकी डायरेक्शन देगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है बताओ, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो क्या कह सकते हैं, सीकेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि सीकेंट किसकी डायरेक्शन बताएगा, पहले बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट की बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, क्या दो मेथड क्या बताए मैंने, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जॉइन कर देंगे तो वो स्ट्रेट जो लाइन बनाएंगे अपन, जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं उसके अलोंग किसकी डायरेक्शन है बताओ, डिस्प्लेसमेंट की, और जो डिस्प्लेसमेंट की है वही किसकी, एवरेज वेलोसिटी। या फिर उसको क्या नेम दिया अपन ने, सीकेंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जॉइन करती हुई जो लाइन है उसका नेम दिया अपन ने सीकेंट नेम दिया है। तो क्या हुआ बताओ, सीकेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कि जो सीकेंट अपन ने ड्रॉ किया है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है बताएगा। आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, देखो मैंने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए अपने को फिर भी दो पॉइंट चाहिए, एक उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेते हैं, उससे क्या लेते हैं राइट साइड में लेते हैं। तो अपने को करना क्या है, अब ये जैसे मान लो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट वेरी क्लोज आ जाए एक दूसरे, अभी तो ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत दूर है, तो अपन कौन सा निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ऐसा इमेजिन करो कि ए और बी बहुत पास आ जाए एक दूसरे के, अगर मान लो ए और बी दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए, नियर आ गए दोनों एक दूसरे के, तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि अपने पास फिर वो कौन सी आ जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगी, वो क्या जाएगी, इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे अपने को पूछा है वहां टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे मान लो पी पॉइंट पे अपने को डायरेक्शन पूछी है किसकी, इंस्टेंटेनियस की, पी पॉइंट पे अपने को क्या पूछी है, डायरेक्शन पूछी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, पार्टिकल जैसे ऐसे गया है, इस तरह से गया है, समझ आई बात, पार्टिकल इस तरह से गया है,
मैं एरो लगा देता हूं, इस तरह से पार्टिकल गया है अपने पास, पार्टिकल इस तरह से गया है और पी पॉइंट पे अपने को क्या पूछिए बताओ, डायरेक्शन पूछिए, इसकी डायरेक्शन पूछी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी है, तो पी पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अपने पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट बनाना तो सब लोग जानते हो, पी पॉइंट पे अपने क्या ड्रॉ कर दिया बताओ, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, समझ आई इतनी बात। अब ये जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो किसका डायरेक्शन बताएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए अपने क्या ड्रॉ किया बताओ, सीकेंट ड्रॉ किया है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया है बताओ, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो देखो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस भी पॉइंट पे पूछी है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी। मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, नीचे देखो, जैसे मान लो पार्टिकल वो से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ क्या किया है पार्टिकल ने फॉलो किया है, अब पार्टिकल ने जब ये पाथ फॉलो किया है, समझो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब तुम्हारे को किसी ने पूछ लिया भाई अपने पास ओ पॉइंट पे, इसने पूछ लिया कि जो ओ पॉइंट है वहां तुम क्या बताओ, जो इंस्टेंटेनियस है, जो इंस्टेंटेनियस है उसकी क्या बतानी है तुम्हारे को, डायरेक्शन है बतानी है। तो देखो ओ पॉइंट पे जब पूछा है तो अपन कहां ड्रॉ करेंगे टेंजेंट बताओ, ओ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे भाई, ये ओ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिख रहा होगा। ऐसे ए पॉइंट पे पूछा है अपने को मान लो, तो ए पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया अपने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही बी पे पूछा है तो अपने को अपने क्या किया बताओ, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही सी पॉइंट पे पूछा है तो सी पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया बताओ, अपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो ओ पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, ए पॉइंट पे ये है, बी पे ये है और सी पे क्या है बताओ ये, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब तुम बोलो भाई ये एरो ऐसे भी तो बना सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ये बताया तुम्हारे को भाई टेंजेंट किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ऐसे गया ना, तो पार्टिकल का पाथ ऐसे ही तो है, इस तरह से ही तो है पार्टिकल का पाथ, तो टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, मूव हो रहा है अपने पास, क्या समझ आ गई होगी। ए पे डायरेक्शन, ओ पे डायरेक्शन के लिए ओ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपने, ए पे डायरेक्शन के लिए ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बी पे डायरेक्शन के लिए बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सी पे डायरेक्शन के लिए सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, समझ आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और एवरेज वेलोसिटी के लिए सीकेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो नॉर्थ में अपने पास एक सर्कुलर पाथ अपने ड्रॉ किया है और इस सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो अपने पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, जो एरो लगाया है उसका मीनिंग उसका जो मोशन हो रहा है वो क्लॉक वाइज हो रहा है। अपने को ये पूछा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बताना है, कहां तक, ए से बी तक, ए टू बी। तो देखो लिखा है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, अब बताओ ए से बी तक का अपने को क्या पूछ लिया, डायरेक्शन पूछ लिया किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। जैसा मैंने अभी तुम्हारे को पहले बताया कि एवरेज वेलोसिटी के लिए बताओ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सीकेंट ड्रॉ करेंगे, सीकेंट ड्रॉ करना है अपने को, क्या ड्रॉ करना है, सीकेंट ड्रॉ करना है और सीकेंट भी इनिशियल पॉइंट से कहां किसको ज्वाइन करते हुए फाइनल। तो बताओ अपने लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए टू बी पूछा है तो ए हो गया और फाइनल हो गया बी। तो अब अपन क्या करेंगे, सीकेंट ड्रॉ करेंगे ए से बी तक का, सीकेंट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बी पॉइंट है देखो ये बी पॉइंट था, ये जो सीकेंट है अपने पास, ये जो सीकेंट है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है बताओ अपने को, ये जो सीकेंट है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है बताओ अपने को, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए अपने सीकेंट ड्रॉ किया है, ये सीकेंट ड्रॉ किया है ए से बी तक का, और ये जो सीकेंट है वो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने को दे रहा है, समझ गए होंगे। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ए से बी तक ये है, ये सीकेंट बता रहा है अपने को एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन।
और क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी एंड डी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी। बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन बताने के लिए अपने क्या बताया था, क्या ड्रॉ करना है, अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब ए पॉइंट पे बताने तो ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब तुम बोलो भाई ए पे टेंजेंट सर दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर बताओ ऐसे नहीं करके इस तरह की तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने अभी तुम्हारे को ये बताया था कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसकी डायरेक्शन में करनी है, जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है या उसका मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उसका मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखो इसका जो मोशन इस तरह से हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ओनली यही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसे ही बी पॉइंट पे बताओ, बी पॉइंट पे ओनली यही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, तो इस तरह से ही ड्रॉ करना है अपने। अब बताओ सी पॉइंट पे बताओ, ये सी पॉइंट पे हो गया। ऐसे ही बताओ डी पॉइंट पे बताओ, ये हो गया। ए पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी और सी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी और डी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपने, जल्दी से ड्रॉ करो फटाफट से। देखो नोट में लिखा हुआ है पी वेक्टर इंस्टेंटेनियस, ये अपने को बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, उसका मोड निकाल रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, उसका मॉडुलस ले रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉडुलस है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है भाई। ऐसा क्यों, इधर ध्यान लगाओ, जैसे मान लो ये कोई पार्ट है अपने पास समझो, और पार्टिकल ए से बी तक गया, ये मान लो कोई पॉइंट पी है और पी पॉइंट पे तुम्हारे को क्या पूछ लिया बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ लिया। तो स्पीड पूछेगा तब भी अपन क्या करेंगे बताओ, पी के लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, एक राइट में लेंगे, और ये टाइम इंटरवल अपन ने कंसीडर किया है dt, और ये जो डिस्टेंस कंसीडर किया है वो क्या कंसीडर किया है dx। तो बताओ क्या आ जाएगा dx by dt, डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि मैंने बताया जब अपने पास पाथ वेरी शॉर्ट होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो फिर वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्व बात बन ही नहीं सकता अगर स्मॉल है। तो बताओ डिस्टेंस निकाला तो dx by dt किया, अब मैंने पूछ लिया तुमने ये निकाला अपने पास एवरेज स्पीड निकाला तो कर लिया dx by dt कर लिया अपने, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला तो समझो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला तो कर लिया dx by dt। अब मैंने पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तब भी क्या करोगे यही करोगे dx by dt करोगे, बट उसमें क्या और ऐड कर दोगे, डायरेक्शन और ऐड कर दोगे। तो अपने मोड ले लिया, मीनिंग डायरेक्शन को खत्म कर दिया, डायरेक्शन को खत्म कर दिया। पहले बताया था कि स्केलर का कंपैरिजन एक वेक्टर से नहीं हो सकता है, तो बताओ मॉडुलस लेके डायरेक्शन खत्म होगी, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे अपने किसी भी पॉइंट के लिए, दोनों क्या हो जाएंगे बताओ इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी अपने पास कि इंस्टेंटेनियस क्या निकालो, स्पीड निकालो, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड मोड निकालो, दोनों इक्वल होते हैं, इसमें ओनली डायरेक्शन होती है।